जय श्री काल भैरव। आप सभी को श्री काल भैरव आश्रम की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। आज एक छोटी सी वीडियो सिर्फ भगवान भैरव के सबसे प्रिय हथियार भैरव दंड के बारे में आज आपको बताना था। बहुत लोगों की बहुत समय से इंक्वायरी आ रही थी। भगवान भैरव को सबसे प्रिय अति कोई है? सबसे प्रिय उनको एक श्वान है और एक उनका भैरव दंड है। ठीक, भगवान भैरव नीति नियम पे चलने वाले हैं, ठीक है, और उनके नीति नियम पे अगर कोई नहीं चलता है तो उसको दंड भी बहुत अच्छा देते हैं, जिससे वो कभी नहीं, जिंदगी नहीं, जन्मों जन्मों से नहीं उभर सकता है। भगवान भैरव को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन सब गुप्त रहते हैं, और जो दिखावा करते हैं वो सामने रहते हैं। ऐसे में बहुत सारे साधकों को जानता हूँ जो भगवान भैरव की सेवा करते हैं लेकिन चुप रहते हैं और एकांत में रहते हैं। उनकी सेवा का कभी प्रदर्शन नहीं करते, उनकी साधना का प्रदर्शन नहीं करते। उसका कारण यह है कि उनको दिखाव पसंद नहीं है। भगवान भैरव के जितने भी स्थान हैं जीवंत, जहाँ विराजमान हैं, वहाँ भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, और जहाँ भीड़ भाड़ मिलेगी तो समझ जाना कि यहाँ पे VVIP की लाइन लगी रहेगी, वो जो उनको पसंद नहीं है। ठीक है, सबसे उनको पीड़ादायक यही लगता है और सबसे क्रोधित करने वाली चीज़ यही रहती है कि हर प्रकार का प्राणी उनको लोभ लालच देने की मंशा से आता है ताकि हमारा बेनिफिट हो जाए, और ऐसे स्थान पर भगवान भैरव कभी भी नहीं रह सकते हैं। श्वान के बारे में आप देखते हैं, भगवान भैरव को सबसे प्रिय जो उनका वाहन है वो श्वान है। पूरी पृथ्वी पर सबसे ऑनेस्ट जीव के बारे में अगर बोला जाता है तो श्वान के बारे में, डॉग के बारे में, कुत्ते के बारे में बोला जाता है। दरवेश होते हैं वो उन्हीं के गण होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वो क्वालिटीज होती हैं, पूरा प्रेम, मान सम्मान, आदर, ऑनेस्टी के साथ आपके साथ चलता है, लेकिन जब दिमाग फिरता है तो काट भी लेता है आपके दुश्मनों को। 10 साल पहले अगर आपने उस पर कोई एहसान किया होगा, एक बिस्कुट भी खिलाया होगा, तो 10 साल बाद भी याद रखता है। ऐसे अनंत उसके गुण हैं। सोता कैसे है? ऐसे सोता है जैसे ध्यानस्थ कोई व्यक्ति हो। सोने वाला ध्यानस्थ कैसे होता है कि पल पल की खबर रहती है, बस फॉर्मेलिटी के लिए सो रहा होता है, तो ध्यान मुद्रा में वो सोता है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो श्वान की भगवान भैरवनाथ को पसंद है, उनका गण है वो। उसी प्रकार से भैरव दंड कहीं भी इसके बारे में कुछ विस्तृत चर्चा नहीं है, और इसके बारे में जब विस्तृत चर्चा साक्षात भगवान भैरवनाथ से हुई थी, बहुत पल में हुई थी। ऐसा नहीं कि वो बैठे हुए हैं पूरी किताब बांचने के लिए मेरे सामने, पल में चर्चा हुई। मनुष्य सोच सकता है पल में, किसी एक बड़े विषय पर चर्चा नहीं सोच सकता, उसकी बुद्धि सीमित है। तो जब इसके बारे में जब चर्चा हुई तो उन्होंने इसके इसके भीतर छुपी हुई बहुत सारी शक्तियां बताई, भैरवनाथ के दंड के भीतर छुपी हुई बहुत सारी शक्तियां। एक नाम से ही आपको लग रहा है दंड देने का अधिकारी, दंड देने का अधिकारी किसको? सिर्फ भैरवनाथ को। उनका दंड देने का तरीका बिल्कुल अलग, और उस दंड का प्रारूप भैरव दंड के रूप में हमने बहुत मेहनत से और वर्षों की तपस्या से और उनसे मिले ज्ञान से इसके निर्माण करने में बनाया है। अब बहुत सारे लोग लगता है कि भैरवनाथ जी से डरना चाहिए। डरना क्यों चाहिए? डरना पापी को चाहिए, आपको क्यों चाहिए? डरना गुरुद्रोही को चाहिए, आपको क्यों डरना चाहिए? क्यों डरेंगे आप? आपके डर के कारण ही आप उन महान देव की कृपा प्राप्ति से चूक जाते हैं, और ये सत्य बात है। कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से भगवान भैरव के निकट नहीं जा सकता। कितने सारे साधक हैं जो मेरे पास आते हैं साधना के लिए, नहीं कर पाते हैं, दीक्षा के लिए लगे रहते हैं, नहीं हो पाती दीक्षा, और दीक्षा हो भी जाती है तो साधना नहीं कर पाते, उतनी हिम्मत नहीं ला पाते हैं साधना करने के लिए। उनका सबसे प्रिय जो दंड भैरव दंड
जिसको हमने निर्माण करा है वो अभी नहीं, बहुत वर्षों की मेहनत के बाद, बहुत बारीकी के बाद, मंत्रों के उच्चारण के बाद, हजारों हजारों लाखों लाखों आहुतियों के बाद इसको जीवंत किया जाता है। मेरे एक शिष्य हैं, उनके ब्रदर रेकी हीलर हैं, उनके दूसरे ब्रदर तंत्र की एनर्जीज को देखते हैं। जब हमने उसको अपने शिष्य को दिया तो उन्होंने अपने भाइयों से उसकी जांच परख करवाई कि जरा भैया देखना इसमें क्या ऊर्जा है, कैसी है। तो सबके रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते ही, इतनी भयानक ऊर्जा थी उसमें। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ, वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग भी बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, जैसे ये भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार और उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आप उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20-20, 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट उस धरती के भीतर ही नहीं ऊपर के भी शक्तियों को सफाई कर देती है। तो सोचिए जहाँ इसका पूजन हो रहा होगा, जहाँ भैरव दंड रखे होंगे और जहाँ जहाँ इसको ससम्मान श्रद्धा से विश्वास से अगर पूजा जा रहा होगा तो कितना बड़ा उपयोग है इसका। छोटी सी बात है, ठीक है, इनको भोग में कुछ नहीं देना है। ये आप सोच लो कि इनको भोग में जो है डेली बकरा काटना है, कलेजी देनी है, दारू देनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये सब हम करके देते हैं। इसका पूजन भी विधिवत जिस प्रकार से कुल परंपरा गुरु परंपरा से हमको सिखाया गया है और सीधे साक्षात भगवान भैरवनाथ के द्वारा विशिष्ट मंत्रों से जो प्राप्त है उस ऊर्जा से इनको हम चार्ज करते हैं। और जब इनको भगवान भैरवनाथ को जब हम भगवान भैरवनाथ का ही स्वरूप है साक्षात, ठीक है, तो जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं आपके जीवन में, आपके जमीन के नीचे, कई बार होता है ना घर गलत जगह में बना हुआ होता है, उस जगह की शक्तियों को भी ये क्लियर कर देते हैं। कुछ शक्तियाँ ऊपर होती हैं, आसपास पेड़ पौधे हैं, आसपास मकान हैं, खंडर हैं, या कोई और भी दूसरी भूमि है नकारात्मक, उस जमीन तक की ठोक भी इनको, इनकी ठोक भी उनको जो है ठीक कर देती है। आपके और सभी लोगों के जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप कहीं कुछ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जिसको आपको प्राप्त करना चाहिए। ऑफिसेज में आपको प्राप्त करना चाहिए प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट, पॉलिटिक्स ना हो, या पॉलिटिक्स हो तो आप पॉलिटिक्स में जीतें, बॉस आपकी सुने, इत्यादि इत्यादि। ये सब क्या है? आपके आपको जो प्राप्त करना है उस प्राप्त करने में ये नकारात्मक चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों पर नकारात्मक चोट पड़ेगी। और इसका इनका कोई बहुत लंबा चौड़ा पूजन नहीं है और ये बहुत सेलेक्टेड पीस है, हर जगह उपलब्ध भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। और उपलब्ध भी होगा तो छोटा मोटा किसी प्रकार से डिज़ाइन करके बना दिया होगा मशीन में। ये बाय हैंड मेड है, इनके अंदर रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके, और वो भी नेपाल के जो रुद्राक्ष हैं उनको अभिमंत्रित करके, और जो इनके अंदर भस्म पड़ी है वो भगवान भैरव को अर्पित करने के लिए जो विशिष्ट सामग्री, जो कहीं किसी को भी नहीं पता है, उन विशिष्ट सामग्रियों से इनका हवन करके जो जीवंत भस्म मिलती है हमारे यहाँ, उस भस्म को भी इसमें स्थापित किया गया है। कुछ ऐसे विशिष्ट चीज़ें हैं जिसका वर्णन यहाँ पर वर्जित है, उन विशिष्ट वस्तुओं को भी इसके अंदर इन्फ्यूज किया हुआ है, डाला गया है। उसके बाद नीचे जो इसका बेस है ये शीशम की लकड़ी है, पूरी कभी खराब नहीं होगी, जीवंत। आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत छोड़ के जाएंगे, इतनी मजबूत चीज है। दूसरा, नकारात्मक शक्तियों के लिए मैंने बताया कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आपकी नेगेटिविटी के कारण आ रही है, तो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए मैंने उपाय बता दिया। दूसरा,
प्रमोशन इत्यादि, सारी सब चीज़ें सब निगेटिविटी के कारण हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए जो आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आप जब आसन पर बैठते हैं, साधना में बैठते हैं, तो क्या होता है आपको पता है? नीचे से शक्तियाँ आपकी ऊर्जा खींच रही होती हैं, ऊपर से ऊर्जा खींच रही होती हैं, चारों तरफ से शक्तियाँ आपकी ऊर्जा खींच रही होती हैं। वो तो जो हमारे दीक्षित शिष्य हैं उनको बताया गया है इस तरीके से, इसलिए उनका सेफ्टी हैंड चलता है साथ में। जब आप अपने पूजा स्थल में भगवान भैरव के दंड को स्थापित करके, और स्थापना मतलब ये मत समझ लेना मूर्ति स्थापना हो रही है, बहुत ज्यादा पंडित लोग सुनते हैं स्थापना मतलब आपने इनको वहां पर रखा है, ठीक है, और भगवान भैरव के ही स्वरूप है ये, आप समझ लीजिएगा। भगवान भैरव के साक्षात स्वरूप को आपने घर में स्थान दिया है और इनको कुछ नहीं करना है, ये हम सब करके हमने दिया है, ठीक है, आपको श्रद्धा भाव से इनको स्वीकार करना है, बस विश्वास से स्वीकार करना है। जहां श्रद्धा और विश्वास नहीं है वहां इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। आप प्रेम से श्रद्धा भाव से इनका वेलकम कीजिए। जब ये आप पूजा स्थान में रखेंगे तो इसके साथ मैं आपको मंत्र भी दूंगा। मैं जब जैसे भस्म की बात कर रहा था, यहाँ मैं आश्रम में जो लगातार हवन होते रहते हैं, तो यहाँ की भस्म से इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है, कई सारे लोगों का सिरोसिस ठीक हो गया है, ठीक है, यहाँ तक कि कोरोना काल में एक लेडी को रिक्शे पर लाद के लाए थे, तो दूर से ही हमने भस्म भर के वहाँ पैकेट उछाल दिया था, उन्होंने लगाया, वो अगले दिन खेतों में काम करती पाई गई। हमने नहीं प्रचार किया कि भाई कोरोना ठीक हो रहा है, लेकिन उसका श्रद्धा भाव ऐसा था, विश्वास ऐसा था आश्रम के प्रति, बाबा के प्रति, आई और उसने कहा ले चलो आश्रम, और लगाया, मरणासन्न थी, मतलब आज या एक या दो दिन में मर जाते, इतनी खराब स्थिति थी कोरोना में। अगले दिन वो खेत में काम कर रहे थे, देखा। फिर एक वकील साहब आए थे, उनका 10 साल से सिरोसिस था, पूरा हाथ वात सब पूरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, उनका सिरोसिस ठीक हो गया, सिर्फ भस्म लगाई उन्होंने और कुछ नहीं किया। हमारे शिष्य ने अपने दरबार में कई सारे सिरोसिस वालों को भस्म से स्नान कराया, उनका सिरोसिस ठीक हो गया। तो श्रद्धा और भाव, विश्वास, वो भी अकाट्य विश्वास, 10 लोग भी खड़े हों, 100 लोग भी खड़े हों, आपको आपके विश्वास को हिला ना पाए, इतना अकाट्य विश्वास। आपकी बुद्धि भी तो छोड़ दीजिए, दूसरे की बुद्धि भी ना हिला पाए आपका, ऐसा विश्वास होना चाहिए गुरु के प्रति और जो भी आप पूजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। अगर आपने इस भाव से इनको स्वीकार किया तो आपके आने वाले जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करते हैं, एकदम घर में कलह खत्म होती है। जैसे घर में कलह का माहौल बना रहता है ना, आपस में लड़ाई झगड़ा करना, तो वो भूत प्रेत के कारण भी होता है, वो पूर्व जन्मों की दुश्मनी होती है उसके कारण भी होता है, कि परिवार पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, प्लेनेटरी होता है, आपस में नहीं बनती है। तो ये प्लेनेटरी और जो आपका तंत्र बाधा, मतलब किसी ने तंत्र बाधा कर दी, आपके घर में कलह की कोई शक्ति छोड़ दी है, इन सारी चीज़ों के कारण उत्पन्न होने वाले घर की कलह को भी ये ठीक कर देते हैं। क्या है? श्रद्धा भाव से विश्वास रखते हुए इनका पूजन करते रहिए, और नहीं घंटों पूजन भी नहीं करना, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, और आपका भाव होगा तो 10 घंटे भी कर लेंगे तो भी आपको नहीं याद रहेगा कितने घंटे कर रहे हैं, भाव से करना, कुछ नहीं करना, छोटा सा विधान है बस, बाकी सब हम करके दे रहे हैं आपको, ठीक है। और ये हमने इसलिए इसको प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं क्योंकि हमारा ये मिशन है कि भगवान भैरवनाथ के वास्तविक स्वरूप को, जो तांत्रिक बाबाओं ने अपने जेब में पड़ी हुई कोई अठन्नी चवन्नी मान लिया है, उससे निकाल के एक जो वास्तविक स्वरूप है उस रूप में हर हर घर में स्थापित करना, प्रत्येक घर में इंट्रोड्यूस कराना, है ना। तांत्रिक बाबा लोग, अघोरी पगोरी लोग सब बहुत डराते हैं ना उनके नाम पे, और जब ये करते हैं तो उनको दंड भी उसी प्रकार से मिलता है। तो आज से नहीं, 15-20 सालों से जो है उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को बना रहे हैं, उपद्रवी आ जाते हैं तो उपद्रवी भी ठीक होते हैं, है ना, सब मनुष्य हैं, धीरे धीरे सब में बदलाव होता है। मैं एक गुरु पदासीन होते हुए मेरी दृष्टि सबके प्रति एक ही रहती है, मैं भिन्न नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, सामने वाले की दृष्टि में भिन्नता होती है अवश्य। तो आप अगर इसको भैरव दंड को अगर ढंग से रखेंगे तो ये आपके आने वाली पीढ़ियों में भी सुधार कर देगा, यानी कि संतान उत्पत्ति में भी सहायक होता है।
ठीक है, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। संतानोत्पत्ति में भी सहायक होता है क्योंकि भगवान भैरव के स्वरूप है। हालांकि भगवान भैरव की दीक्षा और उसकी साधना के लिए हम प्रेरित करते हैं, लेकिन हर कोई नहीं उतरना चाहता है। तो इनको रख के इनका एक शॉर्ट पूजन भी शुरू कर दे तो भी बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि संतानोत्पत्ति न होना भी आपके पूर्व जन्म और वर्तमान में जो नकारात्मकता है, किसी ने कोक बांध दी है, ग्रह बाधा है, आपसे भकुट दोष है, कुंडली में मैच मेकिंग है, बहुत सारी चीज़ें, अगर ये सब है तो इसके कारणों को भी ये उपचार करते हैं। ठीक है, तीसरा, जैसे आपकी एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं, मन नहीं लग रहा है। तो मन नहीं लग रहा है क्या मतलब है भाई? आपको पता है कि आपको वो करना है, उसके लिए पढ़ाई करनी, तो आपको मन लगना चाहिए, लेकिन ये भी नकारात्मकता है। तो पढ़ाई में मन लगना इन भगवान भैरव की कृपा से भी शुरू हो जाता है, साक्षात ज्ञान का स्वरूप है ज्ञान, और कहीं से नहीं आ रहा, यहीं से आ रहा है। ठीक है, अगली बात, जो लोग प्रतिस्पर्धा में हैं, यानी चुनाव में हैं, कंपटीशन में हैं, लड़ाई झगड़े में हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, या ऐसी आधिकारिक पोजीशन पे है जहाँ पे उनका दबदबा बने रहना चाहिए, जहाँ पे उनका आकर्षण बने रहना चाहिए, उन लोगों के लिए भी भाई ऐसे ही तो नहीं काशी के कोतवाल कहते हैं भगवान भैरव को। ठीक है, तो और किसी को बैठाया भी नहीं है, और किसी को ऐसी पोजीशन पर बैठाया नहीं, वहाँ थाने में भगवान भैरव की फोटो रख के सारा थाना चलता है। ठीक है, मुख्य पोजीशन पे उनको बैठा के रखा जाता है, ऐसे तो नहीं रखा जाता है आर्मी में, पुलिस में, लड़ाई दंगे में, जितने भी इस प्रकार के जहाँ पे पावर का प्रयोग होता है, पावर चाहिए जिसको, उनको भगवान भैरव दंड को सदैव रखना चाहिए और उनका नियमित पूजन करना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने ले लिया बाबा जी से और रख लिया कोने में धूल खा रहा है, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं कि नहलाना है, धुलाना, ये सब भी नहीं कुछ करना, इनको कपड़े से ढक के रखना है, इतनी सी चीज़ है, थोड़ा सा नीचे स्थान देना है ना, इसमें नीचे स्टैंड भी है, खड़ा रहता है, आपको इसको सहारा देने की कोई आवश्यकता नहीं, बस अपने पूजा स्थान में रखिए, कोई इसको स्पर्श ना करे आपके अलावा, या अगर कोई है तो कोई एक आधी कोई एक्स्ट्रा जो इनकी साफ़ सफाई करे। ठीक है, इनको धूप दिया बत्ती दिखा दीजिए, सवेरे पूजा करते ही होंगे, उनको धूप दिया बत्ती दिखा दीजिए, थोड़ा सा मंत्र जो मैं भेजूँगा वो कर लीजिए, थोड़ा सा भस्म से तिलक चरणों में कर दीजिए। ठीक है, और जो तांत्रिक हैं, साधक लोग हैं, तांत्रिक लोग हैं, उनके लिए मैं अलग थोड़ा सा सेपरेट कुछ मंत्र बताऊंगा, वो गुप्त रहता है ना, वो विशिष्ट है और वो सिर्फ उसके और मेरे बीच की बात रहेगी। घर परिवार में विवाह नहीं हो रहा होता, शादी नहीं हो रही होती, आप ये सोचिए कितनी अजीब सी बात है कि इस समय इतना ज़्यादा क्राउड है, मतलब अरबों खरबों में संख्या पहुँची हुई है, उसके बाद भी नहीं शादियाँ हो रही होती, कोई ना कोई तो लड़का बैठा होता ना, यार कोई ना कोई लड़की तो बैठी होती, लेकिन क्यों नहीं हो रही है? वो जो अटकाव है, वो जो रुकावट है, वो भी इनकी कृपा से दूर होती है। ठीक है, अब एक आखिरी बात जो धन से संबंधित है, धन से संबंधित के लिए मैं मुख्यतः धंधा यक्षिणी की दीक्षा के लिए करता हूँ प्रेरित, क्योंकि धंधा यक्षिणी के अनंत केस देख लिए। ठीक है, अपने शिष्यों को भी करा दिया, बाहर दूसरे लोगों को भी करा दिया, सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, जिसने विश्वास से करा उसको तो 100% बेनिफिट है, और जिसने अविश्वास से करा जांचते हुए किया उसको भी बेनिफिट हुआ है। ठीक, लेकिन इनका उपयोग धंधा यक्षिणी के भी अलावा है। ठीक है, जब भगवान भैरव की स्थापना की जाती है या उनको रखा जाता है पूजन में, तो इनका सबसे पहला कार्य क्या होता है कि नेगेटिविटी नकारात्मकता को दूर करना, आलस्यपन को दूर करना, नेस्तीपन को दूर करना, ठीक है, पड़े हुए बेड में उन सब चीज़ों को दूर करना, सफाई को ठीक करना, मतलब आपके यहाँ अस्वच्छता बनी रहती होगी। ठीक है, कीड़े मकोड़े लगे हैं, छिपकलियाँ घूम रही हैं और जाले लगे हुए हैं, साफ़ सफाई नहीं रह रही है, पूजा के स्थान में बैठ रहे हैं डेली लेकिन वहाँ झाड़ू पोछा नहीं लगा रहे हैं, पूजा के स्थान में सदैव नमक के पानी से पोछा लगा लेना चाहिए। ठीक है, जितने भी आलसी हों पोछा तो लगा लो कम से कम। तो इस प्रकार की जितनी भी नकारात्मकता होती है, ये आप दारू पी रहे हैं, डेली गांजा पी रहे हैं, डेली सिगरेट, इन सब चीज़ों में इनका बहुत योगदान है, और ये सारी चीज़ें लक्ष्मी को आने से रोकती हैं। ठीक है, तो ये जब आप इनको स्थापित करते हैं तो इन सारी चीज़ों को सफाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत शुद्ध रूप में इनको भेज रहे हैं आपके पास, बहुत मेहनत से बना है,
कोई मशीन का काम नहीं है, सारे हाथ से बने हैं। बहुत सारे लोगों ने, साधकों ने मिल के इसको बनाया है। तो सोचिए, साधकों के तप का बल भी इसमें लगा है। आर्टिस्ट जो होते हैं वो भी साधना कर रहे हैं, इसीलिए ईश्वर ने उनको चुना कि भैया तुम मेरे प्रतिरूप को उन उन घरों तक पहुंचाओ जहां जहां मैं पूजा जा सकता हूं। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग इस चीज़ को साझा जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़े मिशन के तौर पर बहुत समय से कार्य कर रहा हूँ कि भगवान भैरव के एक भाई के स्वरूप को हर जगह पहुँचाया गया है। लेकिन भगवान भैरव बहुत ही मृदु हैं, बहुत ही कोमल हैं, उनके लिए बहुत कष्ट है, जो बहुत नालायक हैं, गुरुद्रोही हैं, अपने घर में माता पिता को परेशान करते हैं, सबके लिए नरक बना के रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए इनका दंड सदैव तैयार रहता है। सभी हड्डियां तोड़ते हैं, सोचो तुम्हारी हड्डी टूटी तो इसका मतलब सोच लेना उनका दंड मिला है, पक्की बात है। एक्सीडेंट होता सोच लेना, ठीक है, लड़कियों के चक्कर में तुम फंसते हो तो समझ लेना सब उन्हीं का ही कोप है, ये हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, तो भैरव जी का शिव जी का एक ही मैटर है, ठीक है, तो उसमें कोई भी जो भेद करता है वो महापापी होता है, लिखा हुआ है। आप शिव महापुराण देख पढ़ लीजिएगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, आपको मुझे जो लक्ष्मी से संबंधित बताना था वो मैंने अंत में बताया कि जब ये सारी नकारात्मकता दूर होती है तो लक्ष्मी का आगमन शुरू होता है, ठीक है, और धीरे 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 आपके सारे बंधन खुलते हैं और आप लोगों की अर्निंग शुरू होती है। ऐसा मेरा देखना है, इनको अपने साथ तो है ही, दूसरे साधकों के साथ भी है, ठीक है, कि दूसरे साधकों को दिया गया है तो उनको भी जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव दिखे हैं। इसकी शादी में तो शादी हो गई, 10 साल से नहीं हो रहे थे, पड़े हुए हैं, हो जा रही तो टूट जा रहे। अब जब से 2 साल से लिया हुआ है, 1.5-2 साल होने जा रहे हैं, शादी बहुत बढ़िया चल रही है, कोई टेंशन नहीं। और लेते ही मेरे ख्याल से 3 महीने बाद जो है उनकी शादी हो गई थी, रखते ही 1 महीने बाद उनके यहाँ रिश्ते की लाइन लगनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि नकारात्मकता टूट गई। वो जो प्रोसेस चल रहा था ना, उधर से नकारात्मकता आ रही है, ये नकारात्मक हो रहे हैं, ये नकारात्मक कर रहे हैं, फिर नकारात्मकता का सर्किल जो है इन्होंने तोड़ दिया। ठीक, अब किसी का कॉम्पिटिशन नहीं निकल रहा था, 7 साल से बंदा तैयारी कर रहा था, 7 साल से, तो उनको किसी ने बताया होगा उनके गुरुजी ने कि भाई भैरव दंड रखो, तो जब भैरव दंड सर्च करा तो हमारा आया, तो उसने हमसे चर्चा करी, तो उनको हमने ज्ञान दिया, उन्होंने गुरु जी अगर ये डाल दें आप तो बड़ी कृपा हो, क्योंकि हम तो ढूंढते ढूंढते थक गए कि उनके क्या क्या उपयोग हैं, क्या क्या लाभ है, पता ही नहीं चलता। तांत्रिकों के लिए देखिए बिल्कुल अलग, जो तांत्रिक साधक हैं उनके लिए बिल्कुल अलग प्रयोग हैं, वो तो सिद्धि साधना में बहुत ज़्यादा सहायक है ना। तांत्रिकों के लिए क्या है, मैंने देखा है और शिष्यों के मैसेज भी आते हैं, उदाहरण भी आते हैं कि गुरुजी हमने ये देखा कि ये महाराज जो हैं बात कर रहे हैं और प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं और कुछ नहीं करा, सिर्फ उनके मंत्रों का जो है इनसे पूजन करता रहा। ये देखा कि ये जो है दिमाग में संदेश भेज रहे हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, यहाँ पे ये बंदा खड़ा है, वहाँ पे वो बंदा खड़ा है, वो ऐसा सोच रहा है, कितना भी चमत्कार हो सकता है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है ना, आप किस प्रकार से, किस भाव से इनको लेके आ रहे हैं, किस प्रकार से इनको अपने घर स्वीकार कर रहे हैं, अपने पूजन में रख रहे हैं। वारादंत था, वारादंत का कभी मैंने प्रयोग नहीं देखा कि वो इस प्रकार से धन लाभ देता हो, लेकिन एक व्यक्ति को दिया तो बड़ी मुश्किल से उसके पास पहुंचा। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब उसने अपने पास रखा तो वो सट्टा खेलता था, आज तक नहीं जीता था, उसके बाद जैसे उसने रखा तो पहना नहीं, उसने पूजन में रख दिया अपने, वो डेली वो सट्टा जीतने लगा, डेली सट्टा जीतने लगा। अब ईश्वरी कृपा है, बाबा की कृपा, पता नहीं कौन सी शक्ति मेरे हाथ से निकल के उसके घर तक पहुंच गई और उसको कृपा प्राप्त हो गई। पहुंचे मतलब 1 महीने तक बहसबाजी हो गई, उसने यहाँ तक बोल दिया कि आप मुझे लूट लिया, आपने मुझे बर्बाद कर दिया, क्योंकि पहुंचने में लेट हो गया भाई, रेयर चीज़ है, इतनी आसानी से नहीं पहुँचती है, पावरफुल चीज़ है, आपकी एनर्जी नहीं स्वीकार कर पाती है इतनी आसानी से। 1 महीना हो गया पहुँचते पहुँचते, तो उनको लगा कि उनसे फ्रॉड हो गया, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। खैर फाइनली बस पहुंचा तो उनको जो है उससे प्रत्येक दिन सट्टे में लाभ मिलना शुरू हो गया। अब मैंने सट्टे के लाभ के लिए नहीं भेजा था उसको, मैंने उसकी नकारात्मकता को दूर करने के लिए, पॉजिटिविटी आए और जो भी अड़चन आ रही उसको दूर करने के लिए मैंने भेजा था। ठीक है, ट्रिपल वाला था,
डबल वाला, हाँ डबल वाला था शायद, डबल वाला मैंने भेजा था उसको। तो अब ऐसे ऐसे उदाहरण भी हैं, अब बाबा के साथ ऐसे उदाहरण भी हैं कि भाई भगवान भैरव के स्वरूप को रखते हुए, भैरव दंड को रखते हुए ही वो पूजन करते हुए 10-12 दिन, 15 दिन या 11 दिन कुछ हुए थे, तो उसको ऐसा लगा कि ये बोल रहे हैं, और जब उसने थोड़ा सा फोकस होकर देखा तो वाकई में बोल रहे थे। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो डालता नहीं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस कर करके परेशान कर दिया था इसके ऊपर, वीडियो डालिए, तो एक वीडियो डालना था। हालांकि मैं शॉर्ट में कुछ भी नहीं बोलता हूँ ताकि मेरी वीडियो वायरल हो जाए, शॉर्ट मैसेज, शॉर्ट वीडियोस वायरल होती है ना, इसलिए 10-10 दो दो 5-5 मिनट की वीडियो डालते हैं लोग यूट्यूबर, क्योंकि मैं अपनी बात को पूरा डिटेल में समझाता हूँ ताकि सामने लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए मैं डालता हूँ। ठीक है, और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप इस इन्फॉर्मेशन को हर घर तक पहुँचाने मेरी सहायता करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे है, फालतू कचरा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और आप बिलीव मानिए, लोगों के बहुत सारे मैसेज आते हैं उस कचरे को डालने के लिए। अच्छा, मेरे बताइए गुरु जी, मेरी टाई डाई कितनी खुल गई है, इतना मूर्खता भरा प्रश्न है। ठीक है, ऐसे अनंत प्रश्न आते हैं जिसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए और बहुत वायरल होगी, लेकिन मैं नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ मूर्खता फैलाने के लिए नहीं बैठा हूँ ना। मैं जो रियल इन्फॉर्मेशन है, रियल ज्ञान है, वो मैं आपको देने के लिए बैठा हूँ, ताकि सही साधक तक पहुँचे, फालतू कचरे लोगों तक नहीं पहुँचना, सही साधक तक, सही साधक पहुँचे और सही साधक अपने जीवन को आगे बढ़ाए, साधना में या चाहे संसार में कैसे भी। ठीक है, मैं भगवान भैरवनाथ से प्रार्थना करता हूँ आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो, सभी मेहनत करें, स्वस्थ रहें और मुक्ति और आनंद की तरफ ध्यान मार्ग में बढ़ते हुए ईश्वर की ओर यात्रा करें। जय श्री काल भैरव। To talk to Gurudev Ji, open Google Play Store. Now search Call Me 4 application and download it. Now register your profile and recharge it. Now search for Sri Taramani Ji and directly talk to Gurudev Ji and solve your problem.